ये पब्लिक भगवान को गाली देना शुरू करते हैं, ये किसी से प्रेम नहीं करते, आइए कहाँ। अगर प्रेम कुछ होता तो हिजड़ों को भी शादी होती। अच्छा कर रहे मोदी जी, श्री राम का मंदिर जो बन रहा, भगवान राम बहुत चीजों के प्रतीक है। मोदी जी ने नौकरी देने के लिए कहा था, मोदी जी नौकर है तुम्हारे, सऊदी में बदतमीजी करते हैं, तुरंत उतारते हैं, कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब ठीक है नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हियर हियर हियर, रिमूव रिमूव। और जितने लोग लाइव हैं, कम से कम लाइव रहा करिए तो गाली मत लिखा करिए, उसके बाद लिखा करिए। आप बीमार हैं, आपकी माँ रात भर आपका सर गोद में रखे रखी, वो भाव दिख रहा है। एक आदमी ने कबीर से पूछा कि शादी करनी चाहिए, कहा कल आना तो बताएंगे। उसने कहा महाराज आज ही बता दो। बोला नहीं कल आओ, आज ना बता पाए कल आओ। आया दूसरे दिन, मई की दोपहरिया, चिलचिलाती धूप भयंकर, और उसी में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लोई से, लोहड़ी त्योहार का लोई जी से भी संबंध है, तो उन्होंने उनसे कहा कि जरा दिया जला लाना यार, सुई गिर गई है बाहर। वो बेचारी दिया जला लाई, मई के दोपहर में जब सूर्य चमक रहा है, वो बेचारी दिया जला लाई, अब दोनों मियां बीवी सुई, अब सूरज ऊपर चमक रहा है और दोनों मियां बीवी दिया लेके सुई ढूंढ रहे। अरे वो आदमी कहा कि हमको तो पहले सुना ही था, अब तो विश्वास है भैया, जा रहे, आंसर वंसर नहीं चाहिए। अरे बोले आंसर वाले चाहिए नहीं, पागल से क्या आंसर लेना यार, और दोनों पागल हो। अरे बोले सुन उत्तर तो ले, क्या बोले, जब संबंधों में इतना विश्वास हो। कबीर के लिए स्त्री भोग नहीं है, इसलिए नहीं परेशान करती, स्त्रियां उन्हीं को परेशान करती हैं जो उनको भोग मानते, बाकी किसी को करती ही नहीं। पकौड़ी पकौड़ी, और पकौड़ी के साथ और एक जहर मिला दी चटनी, और जवान को एकदम इतना एक्टिवेट कर दो। क्या साइंस है रिलीजन, इसमें क्या झगड़ा करना, कि फिजिक्स बड़ा है कि धर्म बड़ा है, इसमें क्या झगड़ा करना सर, क्यों झगड़ा करना, क्यों इस एंगल से देखना, फिजिक्स से फिजिक्स वाला लाभ लेना, धर्म से धर्म वाला लाभ लेना, साइंस से टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और मेटाफिजिक्स से आंतरिक ताकत को बढ़ाना, और ताकतवर आदमी टेक्नोलॉजी को गुलाम बना लेगा और कमजोर आदमी टेक्नोलॉजी का गुलाम हो जाएगा। मोबाइल वाला केस देख लो, और गुलामी किसी की भी हो कष्ट बहुत देती है। ताकतवर आदमी टेक्नोलॉजी को गुलाम बना लेगा और कमजोर आदमी टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाएगा। आप जब घूमने जाएं साल में एक बार गोवा, तो भाई साल में आप दो बार जाते हैं, जाड़े की छुट्टी गर्मी की छुट्टी में, तो कोई एक छुट्टी में आप आश्रम ज्वाइन किया करिए, एक छुट्टी आप गोवा दुबई को दे दीजिए और एक छुट्टी आप किसी आश्रम को दे दीजिए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। निवेदन है मेरा आपसे, आप 4 बजे उठना चाहते हैं ना, सब उठना चाहते हैं, 4 बजे उठने का कमाल यह है कि एक लंबा समय मिल जाता है दिन में, लेकिन 4 से 10 बजे जो आदमी जो काम कर ले। आज के लोग सिर्फ कथा सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, वो जो कर्म का पाठ है नहीं कर रहे, तपस्या नहीं कर पा रहे। थोड़ा थोड़ा शुरू करो, थोड़ा थोड़ा, जब बदलाहट शुरू होगी ना तो उसके मजे में तपस्या बढ़ती चली जाएगी। आप बीमार हैं, आपकी माँ रात भर आपका सर गोद में रखे रखी, वो भाव दिख रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, भाव सोने ही नहीं देगा। आप बीमार हैं, घर में सब लोग सो गए, यानी आपके प्रति किसी का भाव ही नहीं है। भाव जैसे हवा नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे भाव भी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब चलते चलते ऐसे डंडा घुमाओगे तो सर से आवाज आएगी। अब संबंध किससे है, इंटरेस्ट से, इसलिए व्हाट्सएप ट्विटर पर 2 लाख फॉलोअर, अर्थी में 3 लोग आए, ट्विटर पर 2 लाख फॉलोअर, अर्थी में 3 लोग आए। कुछ लोग हैं जिनके ट्विटर पर कोई फॉलोअर नहीं, वो जानते ही नहीं थे ट्विटर क्या है। आज हित आधारित संबंध हो गया है, बच्चा बेटे को, बच्चे को कौन पाल रहा है, आया, और माँ बाप कहाँ है, वृद्धा आश्रम। अब आया आपके बच्चे को पाल तो देगी, प्रेम नहीं देगी, वो फीलिंग, वो तरंगे, वो बच्चा आपसे कभी जुड़ नहीं पाएगा, और माँ बाप की आप सेवा नहीं करोगे, इनकी दुआ ही नहीं मिलेगी। 2 लाख की जैकेट पहने इम्पोरिया अरमानी, खोखले हैं अंदर से, भैया हमारी ट्रॉलिंग हो गई भैया, होने दे ट्रॉलिंग। डीके से क्या डरना, डीको से क्या डरना, डीके खतरनाक होते हैं कभी कभी, पर डीको से क्या डरना, देसी कुत्ता करो ट्रॉलिंग, करो जितना करना करो। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी, वो चोरों का चुराया हुआ चना अगर कृष्ण खा लेते, कृष्ण दरिद्र हो जाते, अगर भगवान दरिद्र हो जाता, ये पूरा ब्रह्मांड दरिद्र हो जाता। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता का कर्ज उतारा, लेकिन शिशुपाल के प्रति वो भाव नहीं कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो, बदतमीजी करोगे, और इतनी बदतमीजी। मोदी जी देश नहीं सुधार रहे, योगी जी देश नहीं सुधार रहे, पान खा के लिफ्ट में थूक देते हो। धर्म कभी बदल नहीं सकता, लेकिन हम किसी से कहें कि कोई भगवान बुद्ध के पास एक महिला आई, उसका बेटा मर गया, भाई गोली, मैं जानती हूँ आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते, बोले कर दूंगा, तुम ऐसा करो किसी घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जिसे घर में कोई मरा ना हो। नहीं बेचारी चारों तरफ मांगी, कोई ऐसा घर ही नहीं था, आई बोले प्रभु मैं समझ रही, ये तो नियम है प्रभु, युधिष्ठिर बदल नहीं सकता, क्योंकि युधिष्ठिर है कौन, धर्म। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मीम्स बनाते हैं इस गमछे को डालकर, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये गुरु का आशीर्वाद रूपी गमछा है, आप मेरे ऊपर बनाइए जो कुछ भी बनाना है, आप जैसा भी जो करना है करिए। और जितने लोग लाइव हैं, कम से कम लाइव रहा करिए तो गाली मत लिखा करिए, उसके बाद लिखा करिए।
क्योंकि जो साहब बैठ के यहाँ चलाते रहते हैं वो बड़े विचलित होते रहते हैं, जैसे गाली दे दिया है, डर जाते हैं बेचारे। लेकिन आप लिखा करिए, कोई दिक्कत नहीं, खूब गाली दिया करिए, लेकिन जब शो खत्म हो जाए तब लिखा करिए गाली, और खूब लिखा करिए। एक एक पैराग्राफ, गटर से तो बदबू ही निकलेगी ना, क्योंकि असत्य की कोई, अंधकार की कोई सीमा ही नहीं, अंधकार की कोई ताकत ही नहीं है। जब तक रोशनी नहीं है तभी तक अंधकार है, अंधकार की कोई ताकत, आपने गौर किया, अंधकार ताकत विहीन है। आप डंडा लेके जाइए अंधेरे कमरे में, मारिए खींच खींच के, नहीं भागेगा अंधकार। प्रकाश का अभाव अंधकार है, अंधकार खुद में कुछ नहीं। एक बार अंधेरे ने जाके भगवान से शिकायत की कि ये सूर्य आपका मेरे पीछे पड़ा हुआ है, दुश्मन है मेरा, मुझे मिटाना चाहता है। भगवान ने कहा अच्छा, बुलाता हूं मैं सूर्य को। तो बुलाए सूर्य भगवान को, सूर्य आया, कहा यार तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? बोले कहां है अंधेरा। भगवान ने देखा अंधेरा गायब, कहा मैं तो जानता ही नहीं कौन अंधेरा, कहां अंधेरा, कौन क्या होता है अंधेरा। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करता? अरे प्रेम लोग भगवान से भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। अगर ये तीनों क्वालिटीयां भगवान की खत्म हो जाए तो पब्लिक भगवान को गाली देना शुरू कर दे, ये किसी से प्रेम नहीं करते, आई कहां, कौन सा प्रेम। इसलिए जिसकी आंखें खुली उन्होंने साधना किया, तपस्या किया, शक्ति अर्जित कर ली, समझ गए कि ये सब ड्राइवबाजी है, रिश्ता प्रेम सब ड्राइवबाजी है। अगर प्रेम कुछ होता तो हिजड़ों को भी शादी होती, उसमें भी बहुत सारे लंबे लंबे गोरे गोरे चिकने चिकने होते हैं, भाव होता है, उत्साह बाहर से कभी आएगा ही नहीं। आप 6 महीने सुबह 4 बजे उठ जाओगे और ध्यान साधना करो, थोड़ा थोड़ा चेंज आपके जीवन में शुरू हो, वो जो थोड़े थोड़े चेंज होने शुरू हो जाएंगे वो सुख की घोषणा होनी शुरू हो जाएगी कि यार कुछ तो बरसने लगा। अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। सर ये ऐसा डिप्रेशन हो गया सर, ऐसा हो गया सर, ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। शिव जैसा ये व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा, कि जहर पी लो, तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो बस, मैगी 2 मिनट, 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम, शरीर भी खोखली हो गई और मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगे, ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं, बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहां डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते हैं, तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं, और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। क्योंकि कष्ट मिलेगा तो सबको, कोई नहीं बचेगा। और मेरे बारे में जो भी आदमी आपको बता रहा हो सब सही है, जो गलत बता रहा, गलत जितनी बात बता रहा वो सब सही है। अच्छा ही आपको दिखाई पड़ती हो तो कोई बात ही नहीं। धरती नियम नहीं तोड़ती, पशु नियम नहीं तोड़ते, पेड़ नियम नहीं तोड़ते, इंसान, इसको मजा आता है नियम तोड़ने में, और हिंदुस्तानी को और। लेकिन सऊदी में, दुबई में आप जाओ, हिंदुस्तानियों को दुबई में देखो, क्या डिसेंट और नियम से चलने वाले लोग हैं। वहां कोई रोड रेज कर दे, किसी को गाली दे दे, सऊदी में बदतमीजी कर दे, तुरंत उतारते हैं, कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब ठीक है, नहीं होगा ये प्रॉब्लम, हियर 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 रिमूव रिमूव। यार डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी करोगे। 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग की स्थापना हुई, 1952, और तब इस देश की सरकार ने नारा दिया हम दो हमारे दो, किसी ने सुना ही नहीं। अच्छा कर रहे मोदी जी, श्री राम का मंदिर जो बन रहा, भगवान राम बहुत चीजों के प्रतीक हैं, उनके तो 2 ही बच्चे हैं, लेकिन भगवान को बांध लेते हैं, भरत जी को बांध दिया, हनुमान जी को बांध दिया। मोदी जी ने नौकरी देने के लिए कहा था, मोदी जी नौकर है तुम्हारे, नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा भैया स्वास्थ्य का क्या होगा, पहले तो नहीं आवाज उठाए, अब सबको याद आ रहा है, अब जब है नहीं तो सबको याद आ रहा है, मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तब तो आपने सरकार की सुनी नहीं, सिर्फ सांस पकड़ना। इंसान को मरते वक्त कहता भैया सांस टूट रही, भैया सांस नहीं आ रही, भैया सांस, भैया गए, भैया गए, मरते वक्त उससे सांस याद आती, सबसे कीमती चीज। अरे काम करते करते भी सांस पर ध्यान रखे रहो, क्या जाता है, सांसों की माला से सुमरू में पी का नाम। आप देखो जब इंजेक्शन लगता है तो आदमी सांस रोक लेता है, सांस रोक लो मन रुक जाएगा। आपकी फ्लाइट है 11 बजे और आप लेट हो गए, 11 बजे ही आप एयरपोर्ट पहुंचे, आपको पता है यार फ्लाइट चली गई, लेकिन आप पहुंचे पता चला फ्लाइट 3 घंटे लेट है, कैसे पूरी सांस अंदर जाती, कुत्ता दौड़ा लिया, खूब तेज तेज भागने लगे, खूब तेज ऊपर नीचे सांस चलने लगी। आप देखो जैसे ही मन के विचार होते हैं वैसे ही सांस की गति होती है।